ये ह्यूमिक एसिड गिर रहा है, सर एक बार देखिएगा। ये ह्यूमिक एसिड जो है, ह्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड जो बाजार में बिकता है बहुत महंगा, ये हम इसी से निकल रहा है। वेपर हुआ, फर्मेंटेशन हुई, फिर इसी प्रोसेस से वो टैंक में इकट्ठा हुआ, फिर ये आएगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। ऑटोमेटिक मशीन जो हमने खुद डेवलप की, हमारी कंपनी की है, वो फुली ऑटोमेटिक है। तो ये प्रोसेस घंटे में 2 से 3 मिनट का होता है। और जो टेम्परेचर है इसका, वो अभी 60 डिग्री हो गया है। आप जानते हैं गोबर गर्म होता है, और ये 80 डिग्री तक जाएगा। और इससे होगा क्या कि जितने पैथोजेंस हैं, जो नॉन जितने बैक्टीरिया हैं, वो मर जाएंगे। फिर हम इसमें बैक्टीरिया इन्हेंस करके, होम बैक्टीरिया इन्हेंस करके इसकी फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। यही है इसका जो हमारा प्रोसेस है। इसी को, जो प्रोसेस पुराने ज़माने में हम लोग इसको करते थे, गाँव गाँव में किया जाता था, जिन्हें साल भर लग जाता था, जहाँ गौमूत्र गाय इकट्ठा होती थी, बाद में अच्छी खाद बन जाती थी, ये हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी से इसको 14 दिन में पूरा कर लेते हैं। 14 दिन में ये बिल्कुल काली हो जाएगी। ऑलरेडी काली होती नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा इनरिच होगी। इसमें 80 से ज़्यादा मिनरल होंगे, ह्यूमिक एसिड, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, इसमें पोटाश ऑलरेडी है जो हमारा ग्रीन सैंड मिलाया गया है। तो ये कुल मिला के हमारा बनेगा NPK, जो माना जाता है 15-15-15। हाँ, और ये जो प्लांट इसको 100% अब्सॉर्ब कर सकता है। थैंक यू।